हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है द नॉलेज एंड मोटिवेशनल लॉर्ड, जिसमें हम बात करते हैं मोटिवेशन और स्टडी रिलेटेड मटेरियल्स की और कंपटीशन एग्ज़ाम का कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ एसएससी की आंसर की, किसकी, सीएचएसएल 10+2 एग्ज़ाम लेवल की। इसमें जो क्वेश्चन आए थे उसकी आंसर की ये है। पहला क्वेश्चन इंग्लिश का है, जिसमें हमें सेंटेंस को रीअरेंज करना है। ए बी सी डी ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट है और दूसरा ऑप्शन हमें इसमें स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच इस आईडीएम का मीन बताना है, तो हमें इसका आंसर सेकंड होगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें हमें एंटोनिम बताना है वेन का, जो कि सही आंसर होगा मॉडेस्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें सबसे अप्रोप्रिएट वर्ड इस्तेमाल करना है ग्रीड के लिए, तो उसका आंसर हो जाएगा क्यूपिडिटी। ऐसे ही एंटोनिम का एनॉय का एंटोनिम पता करना है, कंफर्ट हो गया। और ऐसे ही पुल ओवर की जगह हम क्या चेंज ला सकते हैं, तो पुल थ्रू इज़ बेस्ट ऑप्शन। और ऐसे ही हमें लैकोनिक का सिनोनिम बताना था, तो कॉन्साइज हो जाएगा। द ब्लैक मार्केटर आर होल्डिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रॉसरीज, इसके लिए हम एक वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या लग सकते हैं, पाइलिंग अप, बिल्कुल सही जवाब है। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, उनके आंसर भी आपके सामने हैं। आपने जो आंसर लगाया हो आप उससे मैच कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। ये देखते जाइए, धीरे धीरे करके मैं आपके लिए स्लाइड करता हूँ, हर क्वेश्चन के लिए रोक के रखूँगा। क्वेश्चन नंबर 10, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड इंस्टेंटेनियस, इसको हमें रीअरेंज करना है और बताना है किस पार्ट में एरर है। द मदर लविंग लॉक्ड, इसमें एरर है। फ्राइटेंड मी इज़ द राइट आंसर। इन नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लेक्स माइग्रेंट एंड वेदर इज़ यूज्ड इन द फिल इन द ब्लैंक्स। मर्सिनरी इज द इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड इन दिस लाइन, सो वी हैव टू वर्ड नंबर सब्स्टिट्यूशन अगेन इट इज आस्क्ड, आंसर इज एनआरकी। appropriate synonym of resplendent, magnificent, and इसमें अगर कोई replacement हो तो replacement करनी। क्वेश्चन नंबर 17 में ऐसे ही बहुत सारे सवाल हैं। अब मैं सारे क्वेश्चन डिस्कस ना करके, अगर आपको पसंद आएगा तो आगे जाके मैं सारे क्वेश्चन डिस्कस करूँगा और इनके रीज़न ही बताऊँगा। लेकिन अगर आपको नहीं पसंद आता है तो आप वीडियो स्किप करके सारे आंसर चेक करके जा सकते हैं। धन्यवाद। जो मैं एग्ज़ाम डिस्कस कर रहा हूँ ये 6 जून का है, फर्स्ट शिफ्ट 2022। अब मैं आगे क्वेश्चन डिस्कस नहीं करूँगा। अगर आप कमेंट करते हैं और पूछते हैं कि सर रीज़न सहित बताइए, तब मैं क्वेश्चन डिस्कस करूँगा नेक्स्ट क्लास में। आगे आपको ऑडियो ना आए तो ये मत सोचिएगा कि वीडियो पॉज हुआ है या अटका है, मैंने बोलना ही बंद कर दिया है। थैंक यू। इससे आप आंसर की चेक कर लीजिएगा और अगर आपको ज़रूरत हो तो आप कमेंट करेंगे तो मैं इसको लिंक पीडीएफ में भी डाल दूँगा, पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। वरना वीडियो देख के क्लियर कर लीजिए अपने डाउट्स। जो आंसर हैं ये एसएससी द्वारा पब्लिश किए गए हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है कमेंट करें, और अगर आपका कमेंट सही होगा तो मैं भी आपको सपोर्ट करूँगा। और एसएससी द्वारा पब्लिश की हुई आंसर की को क्वेश्चन करेंगे, चैलेंज कर सकते हैं अगर आप 100% प्रूफ के साथ से हो रहे हैं। ये सब रीजनिंग के सवाल हैं, देख पा रहे होंगे आप। ये अब आ गया है यहाँ पे क्वांटिटेटिव मैथ्स के सवाल।
और आपको कोचिंग रिलेटेड कंटेंट चाहिए तो उससे भी, उसके लिए भी कमेंट कर दीजिएगा, मैं वो भी डाल दूँगा। लेकिन आपको जो लाइव क्लासेस में समझ में आएगा वो उस कंटेंट से नहीं समझ में आएगा, इसलिए कमेंट करिए तो मैं नेक्स्ट क्लास प्रॉपर लूँगा। इस पूरे प्रीवियस ईयर पेपर की लाइव क्लास लेंगे जिसमें हम ये पेपर सॉल्व करेंगे। जैसे ये 10 थीटा वाला क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों में आप बोथ साइड स्क्वायर कर दिया करिए, इसमें सबसे ज़्यादा आसान रहता है। क्यों? 10 थीटा से 1/10 थीटा 2AB में कट जाएगा। ये क्वेश्चन टाइम टेकिंग थे ही नहीं। चलिए जल्दी ही ख़त्म होने वाला है। ख़ास तौर पे जब SSC के 10+2 लेवल पे अगर ग्राफ वाले क्वेश्चन आए तो उनको अटेम्प्ट करना किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है। वो क्वेश्चन इजी होते हैं और लेस टाइम टेकिंग होते हैं और जनरल अवेयरनेस में ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर देखें। और इस बार तो स्टैटिक नॉलेज भी आई थी, लेकिन फिर भी बुक्स, अवार्ड्स ये सब भी इम्पोर्टेंट थे इस बार के लिए। एंड समथिंग फ्रॉम इकोनॉमिक्स ऑल्सो केम देयर, इकोनॉमिक्स से भी आई थी, जनरल साइंस भी आई थी एक दो क्वेश्चन। थैंक यू फ्रेंड्स, ये मेरे वीडियो का एंड है और ये लास्ट क्वेश्चन है। ओके, अगर आप देखना चाहें तो मैं एक बार इन पूरी वीडियो को दोबारा से, पूरी स्लाइड को उल्टा चला देता हूँ जिससे आपको देखने में आसानी हो, कोई क्वेश्चन आपकी नज़र से छूट गया हो तो आप उसे दोबारा से देख लें। बट इस बार थोड़ा जल्दी कर रहे हैं, आप लोग स्पीड 0.25 कर लीजिएगा। वैसे भी मैंने कुछ ज़्यादा क्लियर बताया नहीं है वॉइस में, तो आप वॉइस को इग्नोर करके स्पीड को और स्लो कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, आपसे मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में।